तो आज की वीडियो में हम सीएससी वीएलई को क्या खतरा है इन पंचायत सहायक से, क्या ये उनके काम को हथिया लेंगे और आगे सीएससी वीएलई का काम खत्म हो जाएगा, या फिर इनका जो मानदेय है ये 6000 रुपए जो मिल रहा है ये कहां से मिलेगा, कौन जिम्मेदार होगा इनके मानदेय का, क्योंकि सरकार तो दे नहीं रही है, इस मानदेय को कैसे मिलना होगा, इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों हालांकि सीएससी वीएलई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा था कि ये जो है अपने घर रह करके रोजगार सृजन करेंगे और अपने माँ बाप की लाठी के रूप में जो है एक सहारा बनेंगे। ऐसे में मोदी जी का कथन क्या है उसको थोड़ा सा याददाश्त ताजा कर लेते हैं। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा अपने ही गाँव में रह रहे हैं, शाम को माँ बाप की भी मदद करते हैं, खेत का भी कभी काम कर लेते हैं। 12 लाख युवा, ग्रामीण युवा। दोस्तों ऐसे में जब सीएससी वीएलई काम कर ही रहा है तो उसमें पंचायत सहायक की नियुक्ति लाने की क्या बात होती है, लेकिन हम माने जहां तक कि रोजगार कहां से लाया जाए, रोजगार तो कहीं है नहीं, कोविड में जो थे वो भी बिखर गए हैं। ऐसे में सरकार क्या करे, उसके बाद भी इलेक्शन के कुछ हथकंडे होने चाहिए, उस हथकंडे के रूप में जो पंचायत सहायक है इसकी नियुक्ति की बात कर रही है। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं इस रूप पे, क्या सीएससी वीएलई के काम को पंचायत सहायक करेगा या फिर पंचायत सहायक किसी और का काम करेगा। इसमें हम बात करें तो पंचायत सहायक जो है वो सचिव के साथ में जो है ग्राम पंचायत के जो भी दस्तावेजीकरण का काम होगा इस काम को करने की बात कही गई है, उसको वार्षिक करना, ऑनलाइन एंट्री करना, जो कि सीएससी वीएलई नहीं करता है। ग्राम पंचायत में चल रही सभी योजना की जानकारी, दोस्तों जानकारी की बात कही गई है, जानकारी, योजना के लाभार्थियों की सूची, कंप्यूटर मेंटेन करना, दोस्तों मेंटेन करना और उन योजनाओं में लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, ये दोनों में फर्क है। जैसा कि जो गाइडलाइंस आई, इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि सीएससी वीएलई को भी पंचायत भवन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बैठने का अवसर मिलेगा। दोस्तों इस योजना में पंचायत सहायक को न कि एंट्री करने का बल्कि उसको मेंटेन करने की बात कही गई है, लेकिन इन योजनाओं में जो एंट्री करने, रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे ये हमारे सीएससी वीएलई भाई करेंगे उसी पंचायत भवन में बैठ के, और उसका जो भी खर्चा होगा वो इनको मिलेगा। बस इनको क्या होगा कि अपनी उस एंट्री की फीस जो है वो एक बोर्ड बना करके वहां पे चस्पा करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पंचायत सहायक को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूजर चार्ज का नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने का कार्य जो है करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के जो भी आय व्यय का रिकॉर्ड, पंचायत संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट्स व दस्तावेजीकरण का काम जो है ये करेगा, जो कि सीएससी वीएलई पहले नहीं करता था और आगे भी ये नहीं करेगा। दोस्तों पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत, उसके साथ साथ सीएससी वीएलई, दोनों को कार्य में अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके यहाँ इस पंचायत भवन में गाँव के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो आई होप पंचायत सहायक और वीएलई जो है इन दोनों में डिफरेंस है और ये एक दूसरे के जो है नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो सीएससी वीएलई को टेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी धरना वगैरह कर रहे हैं जाहिर सी बात है वाजिब है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक मेरा ओपिनियन है कि इस चीज में उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में हम एक बात और बताएंगे आपको कि ये जो 6000 रुपए मानदेय है ये कहां से मिलेगा। जैसा कि जियो जो आया हुआ है, गाइडलाइंस जो आई हुई है, उसमें ये लिखा है कि ग्राम पंचायत की ग्राम निधि का जो खाता होता है वहां से 6000 रुपए इनको दिया जाएगा प्रशासनिक मद के तहत भुगतान। दोस्तों प्रशासनिक मद में क्या होता है, प्रधान के मानदेय होते हैं, उसके साथ साथ जो भी स्टेशनरीज वगैरह जो भी एक्सपेंस आते हैं वो प्रशासनिक मद से भुगतान किए जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जो ग्राम निधि मतलब राज्य वित्त का जो पैसा आता है, दोस्तों मैंने कुछ वीडियो में बताया है लेकिन आज फिर से बता रहा हूं कि जो भी राज्य सरकार जो कर वसूलती है, कर का 5% जो है ग्राम पंचायतों में संक्रमित होती है धनराशि, उसी धनराशि को हम क्या बोलते हैं, राज्य वित्त आयोग की धनराशि। तो ये धनराशि क्या होती है, बड़े ग्राम पंचायतों में 1 लाख रुपए तक, छोटे ग्राम पंचायतों में लगभग 56,000 से 70,000 रुपए तक की जो है इस तरह से जो है एक बार में पैसे आते हैं। दोस्तों अब अगर हम इस तरह से जोड़े तो एक बड़ी समस्या यहाँ बन जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम जोड़े तो 9000 रुपए एसएसजी जो समूह बनाए गए हैं हमारे ग्राम पंचायतों में उनको भुगतान हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे 6000 रुपए भुगतान अगर हो जा रहा है पंचायत सहायक को, तो 9, 6, 15 हो गए, इसके साथ 3500 प्रधान का मानदेय जाता है वो भी यहीं से जाएगा, तो 15, 3, 18, 18,500 रुपए हो गए। 1500 रुपए अगर आप और खर्चे पकड़ लें प्रशासनिक मद के, तो यहाँ पे 20,000 रुपए प्रति माह के खर्चे जोड़े गए हैं। ऐसे में ये 20,000 रुपए जोड़ेंगे तो साल भर में आपके 12 महीने में 2,40,000 रुपए ये एक अलग एक्सपेंस आएंगे, जो कि ग्राम के विकास निधि से जो पैसे होते हैं उसी पैसे से ये भुगतान किया जाना है।
दोस्तों मैं ऐसे प्रधान क्या करेगा, ग्राम पंचायत के ढेर सारे जो कार्य होंगे वो कार्य बाधित होंगे, क्योंकि 5 साल में आप माने तो 5 साल में ये लगभग आप समझ ही सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत के राज्य वित्त आयोग का जो भी पैसा होता है, इस पैसे से क्या होता है कि इसके आधे पैसे से हम क्या करते हैं, गाँव की पर संपत्तियों का रख रखाव करते हैं और आधे पैसे से नए काम करते हैं। लेकिन अब इसमें ये पूरे पैसे को यूटिलाइज हो जा रहा है बस केवल मानदेय देने में। ऐसे में गाँव का विकास कब तक होगा इस तरह से, और फिर सरकार जो समझ रही है ये कैसे क्या होना है। दोस्तों हमने बात किया कि जिस तरह से एक गौ रक्षक, मतलब जो गांव में गौशालाएं बनाई गई है, उस गौशाले में जो काम करता है बंदा, उसकी सैलरी 5,000 है और पंचायत सहायक की सैलरी 6,000 रुपए है। ऐसे 5,000 और 6,000 में बहुत डिफरेंस नहीं है एक गौ रक्षक और एक पंचायत सहायक, जो कि कंप्यूटर के अंबार को लेकर के साथ में बैठेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, इंटरनेट, अच्छे अच्छे कंप्यूटर के साथ में, अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में बैठेगा और उसकी सैलरी वहां से यहाँ कुछ ही थोड़े फर्क होंगे। तो ये गलत है, ये एक लॉलीपॉप की तरह है हम युवाओं के लिए, हम बेरोजगारों के लिए एक मुंह पे तमाचा है जो कि हम सहेंगे नहीं तो क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं सीएससी विल्ली से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप टेंशन ना लें, इन 6,000 रुपए के पीछे ना पड़े, आप अपने कैरियर को कहीं और लगाएं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को विकसित करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।